तुम्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेगा यदि तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे। तुम यहाँ पे वेट करते रहो जब तक मैं यहाँ पे ना आऊं। हाउ टू कन्वर्ट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, टुडे वी विल बी लर्निंग। टुडे वी विल बी लर्निंग द डिफरेंस बिटवीन अंटिल एंड अनलेस। दीज टू वर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल यूजिंग दीज टू वर्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी नोइंग द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड लाइक अंटिल एंड अनलेस, एंड देन वी विल बी नोइंग हाउ टू अप्लाई दीज टू वर्ड्स इन अ सेंटेंस। वी विल बी टेकिंग सो मेनी एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश और आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश मास्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिंदी मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स। अनलेस का हिंदी मीनिंग है यदि ना, ओके। अनलेस का हिंदी मीनिंग क्या है? यदि ना। और अंटिल का हिंदी मीनिंग क्या है? जब तक ना, ओके। यदि ना और जब तक ना, ओके। हाउ टू इंप्लीमेंट दीज टू वर्ड्स, हाउ टू अप्लाई दीज टू वर्ड्स इन अ सेंटेंस वी विल बी लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ अनलेस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अंटिल। सो लेट्स सी। देखिए दोस्तों, आई हैव क्रिएटेड थ्री एग्जाम्पल्स फॉर यू। हियर आई हैव यूज्ड अनलेस, अनलेस एंड हियर ऑल्सो अनलेस। हाउ आई हैव यूज्ड, आई एम टेलिंग वन बाई वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट, तुम्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेगा। अनलेस यू स्टडी वेल, यदि ना तुम अच्छे से पढ़ाई करो। यदि तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेगा, ओके। सो यदि ना, यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट, तुम्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेगा अनलेस यू स्टडी वेल, अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ओके। यदि तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेगा। हियर दिस कैन बी यूज्ड, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाई डोंट ऑल्सो, इफ एंड डोंट, if and don't. Why I have written if and don't? Because in this sentence you can put if also. If you don't study well, ये जो part है ये पहले आ जाएगा। If you don't study well, अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे, if you don't study well, you will not get good result, तुम्हें अच्छे result नहीं मिलेगा। So ये if condition जो है, if condition means यदि, if का हिंदी मीनिंग क्या है? if का हिंदी मीनिंग है यदि। if का जो नेगेटिव कंडीशन होता है वो unless से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे if से भी सेंटेंस क्रिएट किया जा सकता है। if अगर होगा तो यहाँ पे don't होगा, अगर unless होगा तो ये सेंटेंस पॉजिटिव में जाएगा, बिकॉज unless itself इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए, यू कांट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल पाओगे unless यू ट्राई, यदि ना तुम ट्राई करोगे, ओके। You can't speak English, तुम English नहीं बोल पाओगे unless you try, अगर तुम try नहीं करोगे। If you don't try, if you don't try, अगर तुम नहीं try करोगे, you can't speak English, तुम English नहीं बोल पाओगे। ये जो part है ये part पहले आ जाएगा और यहाँ पे if condition put हो जाएगा, ठीक है। तो sentence correct हो जाएगा। तो एक ही चीज है, अगर if you want you can put if and don't, okay, to make this kind of sentences, or you can put directly unless. Only one difference is there, if you put if then you have to make the sentence negative by putting don't or doesn't, or if I put unless then directly sentence will be in positive form, theek hai. You can't get a job, tumhe ek job nahi milega unless you appear in the interview, yadi tum interview mein appear nahi karoge. जॉब पाने के लिए क्या चाहिए? यू हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू ना, यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू, देन ओनली यू कैन गेट अ जॉब। सो हियर आल्सो अनलेस, सो अनलेस का मीनिंग क्या है? यदि ना, ओके। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुम इंग्लिश नहीं पढ़ा पाओगे। तो इफ यू डोंट हैव नॉलेज यू कांट टीच, ये अनलेस से कैसे होगा? यू कांट टीच अनलेस यू हैव नॉलेज इन इंग्लिश, ठीक है। तो अनलेस का मीनिंग क्या है? यदि ना। नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू अंटिल, हाउ टू यूज इट लेट सी। देखिए दोस्तों, कैसे मैंने सेंटेंसेस क्रिएट किया, देखिए आई हैव टेकन थ्री एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे अंटिल, अंटिल, यहाँ पे भी अंटिल, लेट सी। यू हैव टू वेट हेयर, तुम्हें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा अंटिल आई कम, जब तक मैं यहाँ पे ना आऊं। यू हैव टू वेट हेयर, तुम्हें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा अंटिल आई कम, जब तक मैं यहाँ पे ना आऊं, ठीक है। Don't give money to him until I tell, जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं उसे पैसा मत दो। Don't give money to him, उसे पैसा मत दो until I tell, जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं। वहां पे देखिए, He will not study,
वो पढ़ाई नहीं करेगा until you let him play, जब तक तुम उसे खेलने ना दो, तो जब तक ना। और एक बात देखिए, you have to wait here, तुम्हें यहाँ पे wait करना पड़ेगा until I come, जब तक मैं यहाँ पे ना आऊँ, ठीक है। Don't give money to him, उसे पैसा मत दो until I tell, जब तक मैं तुम्हें ना बोलूँ। He will not study, वो पढ़ाई नहीं करेगा until you let him play, जब तक तुम उसे खेलने ना दो। तो until का मीनिंग क्या है, जब तक ना, और unless का मीनिंग क्या है, यदि ना, ठीक है। Maybe I have taken actually few examples, you may face some problems to understand it, try to create many more examples. Actually what happens in case of until, generally it shows continuous action, okay, or if I talk about unless, इट इज इफ कंडीशन, इफ का जो नेगेटिव कंडीशन होता है दैट इज अनलेस, ठीक है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अनलेस यू कैन यूज इफ, नो प्रॉब्लम, जस्ट यू हैव टू मेक इट नेगेटिव, इफ कंडीशन का नेगेटिव, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस वन ट्राई टू वॉच दिस वीडियो टू और थ्री टाइम्स, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट डे अगेन वी विल मीट एंड अगेन वी विल लर्न समथिंग न्यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। फॉर टुडे थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।